मुंगेर जिला में उसना चावल का एक भी मिल नहीं, पैक्स उसना चावल के लिए किस मिल को दे धन। जिला में सरकारी 5 चावल मिल में से 2 है चालू जिसमें तैयार होता है अरवा चावल, उसना चावल का एक मिल हो रहा है तैयार। जिले की 55 पैक्स और एक व्यापार मंडल को किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है चयनित। सहकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष किसानों से सरकारी दर पर धान की खरीदारी के लिए 55 पैक्स और एक व्यापार मंडल का चयन किया गया है। किसानों से धान खरीद का सरकारी दर इस वर्ष सामान्य धान के लिए 2040 रुपया तथा ग्रेड वन धान के लिए 2060 रुपया प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है। इस वर्ष धान की उपज कम होने के कारण धान खरीदारी का लक्ष्य 50,000 मीट्रिक टन से घटाकर 29,571 एमटी किया गया है, परंतु इस वर्ष किसानों से धान की अधिप्राप्ति करने वाले पैक्स को मिल से उसना चावल तैयार करवाकर एसएफसी को वापस देना है। इसके पहले मिल अरवा चावल तैयार कर वापस करते थे। इस वर्ष स्पष्ट निर्देश है कि उसना चावल ही मिल से लेना है, परंतु जिले में उसना चावल तैयार करने का एक भी मिल नहीं है। पूर्व से जिले में निजी और सहकारिता विभाग से संबद्ध 21 राइस मिल संचालित हैं, जिनमें से 19 चालू अवस्था में है, पर इसमें से सभी अरवा राइस मिल है। दोनों राइस मिल अरवा चावल तैयार करते हैं। खड़गपुर में उसना चावल का एक मिल तैयार होने की प्रक्रिया में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सरकारी निर्देश के अनुसार धान खरीद के बदले पैक्स किस मिल से उसना चावल की अधिप्राप्ति करेंगे, जिसको ले पैक्स अध्यक्षों के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर किस प्रकार वो उसना चावल बनवाए, और इसको को ले पैक्स अध्यक्षों का बैठक भी कर सरकार को चिट्ठी भेज अनुरोध करने की भी तैयारी की जा रही है। मिल द्वारा उसना चावल लेने की बाध्यता को देखते हुए जिले में उसना चावल के नए खुलने वाले 2 राइस मिल की मिलिंग क्षमता के अनुरूप उससे पैक्सों को टैग किया जाएगा। साथ ही सहकारिता विभाग पड़ोसी जिलों के राइस मिलों से पैक्सों को टैग करने पर विचार कर रहा है। पहले जिला में खुल रहे सहकारी संस्था से संबद्ध राइस मिल को उसना चावल तैयार करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। 2 नए राइस मिल की मिलिंग क्षमता के अनुरूप पैक्सों को नए राइस मिल से टैग किया जाएगा। शेष पैक्सों को पड़ोसी जिला के उसना चावल तैयार करने वाले राइस मिल से टैग किया जाएगा। अरवा चावल में तो परेशानी था, उसना यहाँ से सकरमपुर जाना मात्र 30 रुपया चावल पहुँचाने का मुंगेर पहुँचाने का मिलता है, और वही लगभग 8 रुपया 51 पैसा यहाँ से धान पहुँचाना, 8 रुपया 51 पैसा में धान यहाँ सकरमपुर ले जाना तो संभव है नहीं, छोड़ देंगे लास्ट में क्या करेंगे, नहीं कर सकेंगे, जो समझे सरकार जैसा करेगा करेगा। वह तो कम उपज हुआ है, खरीदारी कम, लक्ष्य भी हम लोग को कम मिला है, जैसे अगला बार 5,000 लक्ष्य था, आपकी 2,000 लक्ष्य है, पूरा अनाज उपजा नहीं है, अभी नहीं किए हैं, अभी किसान तैयारी कर रहा है, यहाँ लेट होता है, थोड़ा लेट से होता है, यहाँ अभी धान तैयारी हो रहा होगा, तैयारी उसके बाद मिलेगा, तो क्या करें, क्या उपाय क्या है, क्या नाम है? विनोद कुमार सिंह, धन्यवाद। देखिए उसना चावल लेना है, ये सरकार का निर्देश है, इस जिले में एक उसना चावल मिल बन रहा है, जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी जो क्षमता होगी मिलिंग का, उसके अनुसार जो है पैक्सों का समितियों को उसके साथ टैग दिया जाएगा, और जो अवशेष बचेगा वो हम इस जिले के बाहर के जो सटे हुए जिले हैं वहां पर जो उसना चावल मिल होगी उसके साथ टैग करेंगे। देखिए इस संदर्भ में हमारे पास तो कोई जानकारी जो है किसी ने हमसे आके बताया नहीं, पेपर में जरूर पढ़ा था कि होली खड़ग में पैक्स अध्यक्ष लोगों का बैठक हुआ है, ठीक है, रही बात थी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, जब पैक्स जब धान खरीद रहा है तो उसको हम सुविधा भी मिल के माध्यम से दें कि वो जो है अपना उसना पी रहती उसना चावल उपलब्ध करा सके, ठीक है, तो हम करेंगे उसके, वही है प्रक्रिया कि जो मिल बन रहा है उसके साथ टैग किया जाएगा, जो बच जाएगा जिले के बाहर के मिल के साथ टैग करेगा, यानी उसना चावल के अवेलेबल हो जाएगा, सरकार का निर्देश जो है उसको तो हम पालन करेंगे। क्या अरवा चावल, देखिए इसके पहले विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, इसमें सचिव महोदय द्वारा कहा गया, ठीक है, कि जो पैक्सों का राइस मिल है, ठीक है, उसमें सरकार का राशि लगा हुआ है, ऐसे कंडीशन में उसको फ्री किया है, उसको इससे जो विमुक्त किया जाए। आज एक पत्र भी आया है खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग से, उसमें भी लिखा गया है कि उसना चावल के लक्ष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा, निर्धारित अरवा चावल के लक्ष्य के अनुरूप मिलिंग कराने में सहकारी संगठनों द्वारा संचालित मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इस संदर्भ में आगे जैसा गाइडलाइन सरकार की तरफ से आएगा उसी तरफ हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर।